जैसे कि आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक पे बात करेंगे। देखिए पंजाब नेशनल बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग में आपको क्या यूपीआई सेटअप, जैसे कि आपको यूपीआई के द्वारा कैसे आपको मनी सेंड करना है, मनी रिसीव करना है, और जैसे कि आपको यूपीआई को कैसे इस्तेमाल करना है पंजाब नेशनल बैंक में, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी अपडेट दें आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए पीएनबी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, पीएनबी जो मोबाइल बैंकिंग को ओपन करेंगे। ओपन करने में आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते ही आपके पास देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है या फिंगर टच करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है जो भी आपका पीएनबी वन एप्लीकेशन को। उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप ये देखिए आपको यूपीआई का ऑप्शन है। आज हम बात करेंगे यूपीआई के ऑप्शन के बारे में। यूपीआई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मैनेज वीपीआई, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैनेज वीपीआई पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मैंने पहले से यूपीआई आईडी क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पे देखिए आपको नया यूपीआई आईडी बनाने के लिए आपको प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे प्लस आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर चॉइस करेंगे जो भी आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर को चॉइस करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए वर्चुअल एड्रेस, जैसे कि आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी टाइप करेंगे। यूपीआई आईडी पे आप मोबाइल नंबर, आपका नाम कोई भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं एक यूपीआई आईडी क्रिएट करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने एक यूपीआई आईडी डाल दिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको ऐड वीपीएन पे क्लिक करेंगे, एक बार आपको प्रीव्यू दिखा जाएगा। उसके बाद आपको ऐड वीपीएन पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सक्सेस का मैसेज आ चुका है, ताकि आपने जो भी यूपीआई आईडी बनाया यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे ऊपर होम पेज पे क्लिक करेंगे, होम में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूपीआई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यूपीआई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसका जो भी आपने यूपीआई आईडी बनाया उसको देखने के लिए आपको मैनेज वीपीए पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे एक से ज्यादा यूपीआई आईडी बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे दूसरे यूपीआई आईडी बना सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी यूपीआई आईडी को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए आपको क्या करेंगे, जो भी यूपीआई आईडी को डिलीट करेंगे उसके ऊपर एक बार टच करेंगे, टच करने बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। कोई भी यूपीआई आईडी के ऊपर एक बार टच करेंगे, टच करने बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको डिलीट आएगा, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक बार दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको फिर से आपको डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिलीट पर क्लिक यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल आपका यूपीआई आईडी डिलीट हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। उसके बाद आपको सबसे ऊपर होम पर क्लिक करेंगे, होम पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर से होम पेज में आ जाएंगे। जैसे आप होम पेज में आएंगे उसके बाद आपको फिर से आपको यूपीआई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यूपीआई पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दूसरे ऑप्शन आ रहा है जैसे कि मैनेज वीपीए पेई, ठीक है, आपको मैनेज वीपीए पेई पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ मैनेज वीपीए का ऑप्शन ये होता है कि जैसे आप दूसरे को कैसे पैसा भेजते हैं उसका जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालकर बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, इसी तरह आपको यहाँ पे देखिए मैनेज वीपीए का ऑप्शन होता है कि किसी का दूसरे का यूपीआई आईडी आप यहाँ पे मैनेज जो भी आपका बेनिफिशियरी ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको कभी भी उसको यूपीआई द्वारा आप पैसा को सेंड कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैनेज वीपीआई का मतलब ये होता है कि बेनिफिशियरी के द्वारा आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मैनेज वीपीए पे ही पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए क्लिक करने आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, नो रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी विथ वीपीए, मतलब यूपीआई आईडी किसी का भी मैंने यहाँ पे बेनिफिशियरी के दौरान ऐड करके नहीं रखा है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। उसका तो ओके पर क्लिक करेंगे, किसी को भी आपको यहाँ बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करके सबसे नीचे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस शो होगा, आपको यहाँ पे देखिए निक नेम, जैसे कि जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं उनका आपको निक नेम डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए वर्चुअल एड्रेस ऑफ पे, ठीक है, जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं उनका यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे टाइप करेंगे वर्चुअल एड्रेस के ऑप्शन पर। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने आपको देखिए आपको एक प्रीव्यू एक बार दिखाया जाएगा, उसके बाद अच्छी तरह चेक कर लेना है। उसका एट वीपीएन पे ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के आपका कॉन्फर्म आइकन भी क्लिक करेंगे, आपका जो बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा जो भी आपका यूपीआई आपने ऐड किया है। जो भी यूपीआई बेनिफिशियरी को ऐड किया उसको देखने के लिए होम पेज में आके यूपीआई पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मैनेज वीपीए पे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पे जिसका भी आपने बेनिफिशियरी ऐड किया यूपीआई आईडी उसको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद डिलीट करना चाहते हैं तो एक बार टच करेंगे, उसके बाद डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको एक बार प्रीव्यू दिखाया जाएगा, फिर से आपको डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी को डिलीट करना तो फिर से आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, कॉन्फर्म आइकन पर क्लिक करेंगे, आपका जो बेनिफिशियरी जो भी आपने ऐड किया वो डिलीट हो जाएगा आपके मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। फिर से आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए सेंड मनी,
मनी का ऑप्शन ये होता है कि किसी को भी आप यूपीआई द्वारा मनी को सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेंड मनी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने पर आपको डेबिट अकाउंट, आपको यहाँ पे डेबिट अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, आपका भी आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर भी दिखाया जाएगा साथ में, जैसे कि डेबिट आपके अकाउंट से आपका ये पैसा कटेगा, ठीक है, आपको किसी को भी सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ पेमेंट, जैसे कि टाइप ऑफ पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी या नॉन रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी। रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो भी आपने, जैसे कि हमने अभी जो बेनिफिशियरी ऐड करके बताया था उसी तरह आपको जो भी आपने बेनिफिशियरी ऐड करेंगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने रहेगा। अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो आपको मैन्युअली जो यूपीआई आईडी डालेंगे जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको बीपीए बेनिफिशियरी, आपको यहाँ पे देखिए जो भी आपका मोबाइल पर ऐड किया हुआ है उसी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे केस में मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन मैंने क्लिक किया। उसका वीपीएन बेनिफिशियरी पे जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे जो भी आपका यूपीआई आईडी को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको टाइप करने रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जितना भी सेंड करना चाहते हैं मनी को टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे नीचे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको एक बार प्रीव्यू दिखा जाएगा, प्रीव्यू देखने के बाद आपको यहाँ पे अच्छी तरह आपको चेक कर लेना। उसके बाद आपको सबमिट आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपको कंफर्म आइकन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के कंफर्म आइकन पे क्लिक करेंगे आपका मनी सेंड हो जाएगा जिसको भी आप भेजना चाहते हैं यूपीआई आईडी के द्वारा। इसके बाद आपको यहां पे देखिए आपको नेक्स्ट आता है कलेक्ट मनी। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं जिसके पास भी आपको पैसा लेना है, मतलब आपको मनी को रिक्वेस्ट डालना है, जिसके पास आपको पैसा पाता है, किसी को पैसा लेना है उसको रिक्वेस्ट देना है, तो वो क्या करेगा डायरेक्ट आपको पे करके पैसा डाल देगा डायरेक्ट पिन डाल के, ठीक है। आपको क्या करेंगे यहां से रिक्वेस्ट डाल देना है। रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको यहां पे देखिए कलेक्ट मनी पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहां पे देखिए आपको जैसे आप क्लिक करेंगे उसका टाइप ऑफ पेमेंट, जैसे कि टाइप ऑफ पेमेंट पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपके जो मोबाइल बैंकिंग में जितने भी बेनिफिशियरी ऐड है वो आपको यहाँ पे जाना जाएगा, उसको आप रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो नॉन रजिस्ट्रेशन पे ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होता है कि आपको मैन्युअली टाइप करेंगे जिसके साथ आपको पैसा लेना है या रिसीव करना है या रिक्वेस्ट डालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको कलेक्ट मनी फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे आपका मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी उसको आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैन्युअली आपको डाल देना है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे कलेक्ट मनी फॉर्म पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको ट्रांसफर टू अकाउंट, जैसे कि ट्रांसफर टू अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपको किस अकाउंट में लेना है, खुद को अकाउंट में कौन सा अकाउंट पे लेना है। मतलब आपको यहाँ पे जैसे ट्रांसफर टू अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका अकाउंट नंबर आपका यूपीआई आईडी दिखाई देगा, उसका सिलेक्ट करेंगे, उसका देखो कितना अमाउंट आपको लेना है, जैसे कि आपको रिक्वेस्ट भेजना है आपको अमाउंट डालेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट आपको सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी आपने रिक्वेस्ट डाला वो रिक्वेस्ट कब तक वैलिड होना चाहिए एक्सपायरी डेट डालेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा, अच्छी तरह चेक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने में आपको जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला उसके पास चले जाएगी, जिसको भी आपने रिक्वेस्ट डाला वो जब पेमेंट कर देगी पेमेंट करने में आपका बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और पेमेंट को कैसे चेक करेंगे अप्रूव हुआ कि नहीं, जैसे कि उन्होंने पेमेंट किया कि नहीं, इसको भी आपने यूपीआई द्वारा पेमेंट रिक्वेस्ट डाला उन्होंने पेमेंट करते ही आपको यहाँ पे देखिए आपको कलेक्ट मनी अप्रूव पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि उन्होंने पेमेंट किया कि नहीं जिन जिन को आपने रिक्वेस्ट डाला। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, जितने भी आपने यूपीआई आईडी से आपने ट्रांजैक्शन किया सारी यूपीआई आईडी का ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन का भी है। उसके बाद आपको यूजर डी रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपको यूपीआई का जो भी मनी कलेक्ट रिसीव वगैरह वगैरह आपको यूपीआई का सिस्टम आपको यूज नहीं करना तो आपको डी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूपीआई का सिस्टम आपको डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है।